अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्टिव हो तो कुल्हड़ पिज्ज़ा आपने इस नाम को ज़रूर सुना होगा। पिछले एक हफ्ते में भाई साहब एक वीडियो वायरल हुआ है उनका। कुछ लोग बोल रहे हैं ये फेक है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये रियल है, लेकिन मुझे उस बात पर डिबेट ही नहीं करना कि ये वीडियो फेक है कि रियल है। मुझे बात उस पर करना है यार, हम लोगों पे, हम ऑडियंस आखिर कर क्या रही है। आप लोग किसी भी वीडियो पे जाओगे, कोई भी अगर कुल्लर पिज्ज़ा का न्यूज़ भी दे रहा है ना, तो वैसे उसके नीचे इतना गंदा कमेंट आ रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। देखो यार, एक चीज़ वायरल हो जो कि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अगर कुछ वीडियो कैसे भी करके वायरल हो भी गया था तो यार हम लोगों को उसे देखना नहीं चाहिए था। तो हम में से कुछ लोग ऐसा भी है जिन्होंने उस वीडियो को ऑलरेडी देखा है, देखने के बाद यार क्या बताओ कमेंट में इतने गंदे गंदे भाई सब लिख रहे हैं ना। सोचो यार, ये अगर आपके फैमिली में किसी के साथ होता तो क्या तब भी आप लोग ऐसे ही करते थे? तो यार इस चीज़ को आप लोगों को ज़रूर से सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। देखो बाय चांस कुछ भी हो जाता है, उन लोगों ने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया मेरे हिसाब से। देखो वो जो चीज़ उन्होंने किया है वो सभी करते हैं यार, इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार, सब सेम चीज़ें वही करते हैं। लेकिन उनका गलती ये है कि उन्होंने रिकॉर्ड किया था, पता नहीं यार कैसे वो वीडियो वायरल हो गया। अब मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया, अगर उन्होंने किसी प्राइवेट चीज़ को रिकॉर्ड किया अपने फ़ोन में, वो दूसरों के पास आखिर पहुँची कैसे? ये भी मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ भी पता हो तो यार वो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। बस यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेन जो मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का वो है कुछ यूट्यूबर्स को लेकर। यार अगर आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे ना कुल्हड़ पिज्ज़ा, तो गाइस लिटरली बता रहा हूँ आप लोग को, उस थंबनेल इतना गंदा गंदा आएगा, वीडियो में आप लोगों को कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर उस तरीके का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। और लेकिन थंबनेल पर जो है सब घटिया पिक्चर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, लिटरली आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा। एक चैनल का मैं आपको नाम नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैं नाम बताऊँ तो आप लोग उस पर जाके यार वीडियो ढूंढोगे। तो देखिए नाम नहीं बता रहा, उस चैनल के सब्सक्राइबर है आप लोगों को ऑलमोस्ट 1-1.5 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर है। उसके चैनल के अंदर उसने भाई साहब थंबनेल पे उस लड़की और उस भाई का फोटो लगाया, कम से कम 20 वीडियो अपलोड किया, जिसके अंदर एक वीडियो में उसमें 300 के आसपास व्यूज है। तो सोचे यार हम लोग कितने ठरकी हो चुके यार, ऐसा क्या भी है यार उस वीडियो में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को देखना चाहिए, नहीं देखोगे तो आप लोग मर जाओगे, ऐसा भी कुछ भी नहीं होने वाला। तो गाइस यार देखो, ऐसी वीडियो आप लोग YouTube पे सर्च करना बंद करो कि यार आप लोगों को देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। होगा क्या यार, आप लोग जितना देखोगे उतना ये न्यूज़ वायरल होगा, लोग जाके दूसरे जगह पे सर्च करेंगे, इससे फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला। बस यार आप लोग सोचो उन दोनों कपल के बारे में, सोचो वो जो छोटा सा बच्चा पैदा उसके बारे में सोचो यार, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। आप लोग यार ये सर्च करना बंद करो यार, आप लोग कोई भी न्यूज़ देखते हो क्या करते हो, उसके ऊपर आप लोग क्लिक करके देखने लगते हो। जितना आप लोग देखते हो क्या होता है, यूट्यूब उसको और ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। और बस मैं इस विषय पे ऑलमोस्ट आज से 4 दिन पहले से सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं बना नहीं रहता कि अगर मेरे वीडियो अगर 100 लोग भी देखते, 100 में से मैं आपको बता रहा हूँ अगर उन 100 लोग में से एक भी लोग को इसके बारे में पता नहीं होगा तो 98% लोग जाके सर्च करेंगे उसी वीडियो को, क्योंकि उसको भी देखना है यार, उसमें ऐसा क्या मजा है मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए गाइस मैं इस वीडियो पे नहीं बना रहा था, लेकिन काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे कि कैरी मिनाटी ने भी बोल दिया कि यार आप लोग उसको मत देखो। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग किसी भी कोई भी पब्लिक हो उसको अगर आप लोग ये बोलोगे कि ये मत करो, इसका मतलब कन्फर्म है कि वो इसको ज़रूर करेगा। तो यार गाइस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ यार, आप लोग इसको सर्च करना बंद करो, उस वीडियो को देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और अगर आप लोगों के सामने कोई भी न्यूज़ आता है तो यार उस पर क्लिक मत करो, जैसे अपने इस थंबनेल को देख के मेरे वीडियो पर क्लिक किया यार मत करो यार। किसी भी ऐसे थंबनेल वाले वीडियो या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ हो चुके, कुछ दिन में अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखोगे, इस तरीके के न्यूज़ को नहीं देखोगे, तो 2-3 दिन के अंदर ये मामला ठंड हो जाएगा। जैसे शांत पड़ जाएगा तो यार थोड़ा सा सुकून उन लोगों को मिल जाएगा यार, आप लोग उनके बारे में एक बार सोचो तो हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग उनके हंसते हुए चेहरे को देखोगे, जो वो वीडियो पहले बनाया करते थे पिज्ज़ा वाले, उसको अगर आप लोग देखोगे तो सोचे यार वो लोग कितना दुख में होंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे किसी भी वीडियो के थंबनेल पे जो ऐसे पिक्चर हो गए कुछ भी हो यार, आप लोगों को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई कमेंट करने की ज़रूरत है, बस आप लोग उस वीडियो को इग्नोर करो यार। बस यही छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग बस इग्नोर करो, किसी भी उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं। और कम से कम यार एक हफ्ता आप लोग ऐसा कम कर दो, उसके बाद ये जो मामला है बिल्कुल शांत पड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हो यार आप लोग मेरी बात मानोगे, बाकी आपका क्या मर्ज़ी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो हम लोग, हम जैसे ऑडियंस जो कमेंट सेक्शन में जाके भाई साहब ये जो गंदगी मचा रहे, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, ये भी आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।